नमस्कार हम सतगुरु, आपने कहा है कि अगर कोई सच में इच्छुक है तो आप उनके तर्क से परे उनके लिए उपलब्ध हैं। तो अगर इस कमरे में कोई वास्तव में इच्छुक है तो क्या आप उनके मन को पढ़ सकते हैं? या कहें कि मैं शिमला में हूँ और आपके बारे में सोच रहा हूँ और सच में इच्छुक हूँ, हाँ कृपया मुझे दीक्षा दें या मुझे दिशा दिखाएं, क्या आप इसके बारे में जान लेंगे? तो क्या मैं आपका मन पढ़ सकता हूँ? मैं लोगों के दिमाग को पढ़ने में अपना समय खराब नहीं करता, क्योंकि ये मैं खुद का दिमाग भी नहीं पढ़ता, क्योंकि ये कूड़ेदान जैसा है। क्योंकि आपके दिमाग में क्या है? आपके दिमाग में जो भी है, क्या आप इसे चुन सकते हैं? आपके बचपन से ही जो कुछ भी आपने देखा, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, सब कुछ आपके दिमाग में है ना? आपका दिमाग समाज का कूड़ेदान है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर ये व्यक्ति बोलता है तो मैं ले लूंगा, अगर ये व्यक्ति बोलता है तो मैं इसे नहीं लूंगा, क्या आपके पास ऐसी चॉइस है? अगर मैं आपको गाली दूं तो आप इसे ज्यादा याद रखेंगे बजाय कि अगर मैं आपको अच्छी बातें कहूं, हाँ या ना? हेलो। तो ये कूड़ेदान है जो हर चीज लेता है। आप ये चुन सकते हैं कि क्या उपयोग करना है और क्या नहीं करना। अगर आप प्रतिक्रिया की स्थिति में नहीं हैं, तो आपके पास वो चॉइस है। लेकिन आपके मन में क्या है, इसके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, है ना? Just everything that you've been exposed to is there in your mind. People who are busy spreading lies in the world talk about a pure mind. आपके सामने जो कुछ भी आया है वो सब आपके दिमाग में है। दुनिया में झूठ फैलाने वाले लोग शुद्ध मन की बात करते हैं। कचरा कैसे शुद्ध हो सकता है? अगर आप आधा दिमाग हटा दो तो शुद्ध मन, वरना आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया है सब वहाँ है। क्या उपयोग करना है और क्या उपयोग नहीं करना, ये आपकी पसंद है। हेलो। यही आपको एक दूसरे से अलग बनाता है। एक व्यक्ति सही चीजों को चुनता है, दूसरा व्यक्ति बेढंगे तौर से कुछ भी चुनता है, तो उसी हिसाब से आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। लेकिन क्या आपके पास वाकई ये चॉइस है कि आपके दिमाग में क्या होगा? दुनिया की सारी गंदगी दिमाग में है ना? आपके दिमाग में क्या रहे, इसका आपके पास कोई चुनाव नहीं है। अगर आप सोचते हैं मुझे ये नहीं रखना चाहिए, बस वही रहेगा। अभी एक प्रयोग के तौर पर आप सभी बस अपनी आंखें बंद कर लें। 10 सेकंड के लिए आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? 10 सेकंड के लिए कोई बंदर नहीं, सिर्फ बंदर है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई चुनाव नहीं है। जो कुछ भी अच्छा, बुरा और बकवास है, आपके रास्ते में आने वाली सब चीजें आपके दिमाग में हैं। आप चुन नहीं सकते। आप नहीं चुन सकते कि क्या पकड़ना है, आप बस ये चुन सकते हैं कि क्या उपयोग करना है। वो चुनाव भी बहुत से लोग खो चुके हैं। तो आपके मन को पढ़ने की बात ना करें। मैं वो सारी गंदगी पर से नहीं चलना चाहता। हेलो। मैं अपने दिमाग को भी नहीं पढ़ता, आपके बारे में तो भूल जाए। लेकिन मूल प्रश्न कुछ और ही है। ये सिर्फ मैंने साइड में कुछ और भी बात कर ली। मुझे आपको यह बताना चाहिए, मैंने दुनिया में ऐसे ज्यादा लोगों को दीक्षित किया है जिनसे मैं कभी नहीं मिला, उनकी तुलना में जिनसे मैं मिला हूं। मैं कुछ लाख लोगों से मिला हूं, लेकिन मैंने इससे कई गुना ज्यादा लोगों को दीक्षा दी है जिनसे मैं कभी नहीं मिला हूं। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। बस अगर वो पूरी इच्छा के क्षण में थे तो हम मौका नहीं चूके। तो पूरी इच्छा का मतलब यह है कि आप सचेत हैं और आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, आप बस यहां हैं। अगर आप ऐसे शिमला में भी ऐसे हैं, फर्क नहीं पड़ता आप शिमला में हैं या उत्तरी ध्रुव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेतना में कोई दूरी नहीं होती। आप एक ही कमरे में होने की बात कर रहे हैं, यह सिर्फ शरीर की समस्या है। आपका शरीर वहां है, मेरा शरीर यहां है, यह बहुत साफ है। यह मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है। यह मेरा मन है, वो आपका मन है, स्पष्ट है। यहां और वहां इनमें मेल हो सकता है, हम थोड़ा सहमत हो सकते हैं, लेकिन यह मेरा मन है, वो आपका मन है। कभी आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जिसका मन बिल्कुल आपके जैसा हो। क्या आपको मिला? यह आपने सोचा था जब आप प्यार में थे, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हुई आपको एहसास हुआ कि उनका अपना मन है। हेलो। नहीं, आप युवा लड़की हैं, आपको पता नहीं, शायद ऐसा हो जाए। तो ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है, वो आपका मन है,
अभी ये चीजें कम से कम अभी के लिए साफ रूप से अलग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं है। आपके पास उसी चीज का थोड़ा हिस्सा है, मेरे पास भी थोड़ा हिस्सा उसी चीज का है। ये ऐसा है, शिमला में, आप शिमला में पले बढ़े हैं? शिमला में क्या आपने स्कूल में साबुन के बुलबुले उड़ाए हैं या ऐसा ही कुछ आपने किया? मान लीजिए कि आप और मैं, आज हमारी साबुन के बुलबुले की प्रतियोगिता है, आप और मैं साबुन के बुलबुले उड़ाने जा रहे हैं। मेरा बुलबुला इतना बड़ा है, आपका इतना है, तो मैं कहता हूं, देखो इसे, देखो ये बड़ा बुलबुला मेरा बुलबुला है। ये चला गया। तब मैं नहीं कहता ये मेरी हवा है वो आपकी हवा है। जब बुलबुला बना हुआ है, ये मेरा बुलबुला है वो आपका बुलबुला है, ऐसे ही अभी ये मेरा शरीर है वो आपका शरीर है। जिस क्षण ये टूट जाता है, मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं है, ये एक जीवन है। तो क्या आप इसका अनुभव करेंगे या बस उस बकवास पर विश्वास कर लेंगे जो मैं बोल रहा हूं? सवाल बस इतना ही है। अगर आप इसका अनुभव करते हैं, उसके बाद मुझे आपको ये कहने की जरूरत नहीं, जो आपके बगल में बैठा है उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे लूटे नहीं, मारे नहीं, ऐसा ना करें, वैसा ना करें। क्या आपको इसकी जरूरत होगी? क्या आपसे किसी ने कहा ये छोटी उंगली एक असहाय छोटी उंगली है, इसे मत काटो, मत घिसो, मत मारो? क्या किसी ने आपको बताया? आप इसकी देखभाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इसे अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं। अगर आप हर जीवन को अपने हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं तो कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सभी जुड़े हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं, शिमला में या जहां भी आप चाहते हैं, अगर आप बस वहां बैठे, पुरुष या महिला या एक व्यक्ति के रूप में नहीं, सिर्फ जीवन के रूप में, हम हमेशा इंतजार कर रहे हैं। आपको थोड़ी इनर इंजीनियरिंग करनी चाहिए। इनर इंजीनियरिंग एक कार्यक्रम है, हम एक काम कर सकते हैं अगर जब आप समर्पित हों, क्योंकि हम उसे उन लोगों को नहीं देना चाहते जो इसके महत्व को नहीं समझते, क्योंकि ये एक जबरदस्त साधन है, इससे लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। इसमें 7 दिन का ऑनलाइन सत्र है, सभी भाषाओं में है, अंग्रेजी में मेरी आवाज है, दूसरी भाषाओं में इसे डब किया गया है। अपने मन को खोलने के लिए आप 7 सरल कदम उठाते हैं, फिर एक सरल अभ्यास है जिसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ता है, जिसे शांभवी महामुद्रा कहा जाता है। यह आपके साथ ऐसा करती है कि अगर आप यहां बैठते हैं तो आपका शरीर यहां है, आपका मन वहां है, और आप जो हैं वो इन चीजों से थोड़ा दूर हैं। क्या यह सच है कि आपने इस शरीर को समय के साथ इकट्ठा किया है? हेलो, आपने इसे इकट्ठा किया। क्या यह भी सच है कि आपने अपनी दिमागी चीजों को भी इकट्ठा किया है? हाँ, जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, कभी आप नहीं हो सकते, है ना? अचानक अगर मैं इस बर्तन को उठाता हूं और कहता हूं ये मेरा बर्तन है, तो आप सोचेंगे सदगुरु को कुछ समस्या है। लेकिन हर कोई कहता है कि वो बुद्धिमान है, हम थोड़ा और सुनते हैं। कुछ समय बाद मैं कहूंगा ये मैं हूं, फिर आप कहेंगे चलो चलते हैं। जिस क्षण मैं कहता हूं ये मैं हूं, आप जानते हैं कि ये गड़बड़ मामला है। लेकिन ये आपके साथ रोज हो रहा है। आपकी थाली में खाना सामने आता है, आप कहते हैं ये मेरा खाना है, आप इसे खाते हैं और फिर आप कहते हैं ये मैं हूं। ये गड़बड़ मामला है ना? हेलो हेलो, गड़बड़ है या नहीं? जिस क्षण आप उस पर यकीन कर लेते हैं जो आप नहीं हैं, तो आप पागलपन की हद पर हैं। अभी आपको एक ही आराम है कि सब ऐसे ही हैं। पागल खाने में ऐसे ही होता है। पागल खाने में सिर्फ एक डॉक्टर ही पागल होता है, आप जानते हैं, बाकी सब सामान्य ही हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं, मान लीजिए आप इन दो उंगलियों को लेते हैं और अपनी आंखों की पुतलियों में घुसाने लगते हैं, तो हमें लगेगा कि कोई बीमारी है ना? हेलो, आया ना? अगर आप खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं, हर रोज आप अपने ही दिमाग की धार से खुद पर वार कर रहे हैं, ये बीमारी है या नहीं? बस इतना ही। अगर आप अपने आप को कोई तकलीफ दे रहे हैं,
तो यही गड़बड़ है। लेकिन हर कोई ऐसा ही है, यही एक फायदा है, ये इसे ढक लेता है। हर किसी का ऐसा होना इसे सामान्य नहीं बनाता। हेलो, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सामान्य है। तो अगर आप एक पल के लिए भी सामान्य जीवन हैं, तो हम आपसे शिमला में भी मिल लेंगे। वो क्या है, 99999? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? कौन सी फ्रीक्वेंसी? नहीं, उस फ्रीक्वेंसी के बिना ही हम आपको पूरे 100 पर मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।